है अमरुत वॉरियर्स की ओर से, जो अमृत जेम्स के मालिक हैं। एक बार फिर से लाइन और लेंथ दोनों चुक गए हैं, वाइड का इशारा एम्पायर का। एक गेंद दूसरी बार डालनी पड़ेगी। फिर से एक बार वाइड सेम बनाया है। हम क्या हम शुरू नहीं था तो भाई वेल प्लेड, वेरी गुड बॉलिंग ओम, जो डेब्यू कर रहे हैं अभी एसपीएल सीजन 6 में डेब्यू कर रहे हैं ओम छेटा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए छोटे खिलाड़ी ओम छेटा। तीन रन हो चुके हैं अमृत वॉरियर्स के, चार रन इसी के साथ। आशीष छेटा जो स्ट्राइक पर है अभी, एक बार फिर से लगता है वाइड का इशारा हो गया है। एक और रन के साथ आगे बढ़ा हुआ स्कोर 5 रन अमृत वॉरियर्स। पहला ओवर ओम छेटा डालते हुए, वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। एक रन लेने में कामयाब आशीष छेटा। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर अमृत वॉरियर्स का है 6 रन। सिक्स रन विदाउट लॉस अमृत वॉरियर्स। बोलो बोलो भाई, कैम से गिरेन गिरे हूँ करो आए भी आता वो आया हवाई ने ले आले ले यानो एक्सीडेंट तू जैसे गायो सपोर्ट वाले गायो मेरु हम ना मत करो ते यहां पहले ओवर की समाप्ति। अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 10 रन, 10 रन विदाउट लॉस एक ओवर। एक ओवर में 10 रन बनाए अमृत वॉरियर्स ने। अमृत वॉरियर्स ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। बोलो यस हेलो अबे बहनों ने नम्र विनंती छे के जमवा जईशु। बहनों जमवा जाए हफ्ते हफ्ते जाओ भाई, हफ्ते हफ्ते बहनों हफ्ते हफ्ते जाओ जम्मा। बॉलर एला नवो बॉलर आ कौन है वो पासो टी-शर्ट में वाया नाम हो लीजिए अब बच्चों। प्रीत प्रीत क्यों और एक बार उठा दिया है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब और ये 6 बना दिया है फील्डर ने आकर। क्या पावर से लगा योगी डायमंड का प्रीत की पहली गेंद पर बहुत बढ़िया लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर लगा दिया है।
दीपक घोटी एक बार फिर से उठा दिया है बन्ना। वाह 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 वा, वेरी गुड सिक्सर, लगातार सिक्सर की बौछार करते हुए क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्सर। 22 रन बना चुके हैं हमारे माता जी बता रहे हैं। 22 रन विदाउट लॉस और एक बार फिर से धीरे से गेंद डाली है लेकिन एक रन मिस फील्ड की वजह से जरूर मिलेगा यहां दीपक को। एक रन के साथ अमृत वॉरियर्स का आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 23-4 विदाउट लॉस, कोई नुकसान 24। छोटे कद के है खिलाड़ी, बॉलिंग अच्छी फेंकते हैं, अभी देखते हैं बहुत बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन लाइन और लेंथ चूक जाते हैं कभी कभी। प्रीत प्रीत सुतरिया हाँ डेब्यू कर रहे हैं अभी एसपीएल सीजन 6 में और एक बार उठा दिया है थर्ड मैन की तरफ। ओ गेंद जा रही है बिल्कुल लेकिन कैच तो जरूर था। वेल ट्राई अरविंद वेल ट्राई। 26 रन बना चुके हैं एक बार फिर से हमारी तरफ गेंद आ रही है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। 30 रन बना दिए हैं विदाउट लॉस अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 30 रन और ये बहुत बढ़िया गेंद डाली है प्रीत सुतरिया ने। दीपक गोटी खेल रहे हैं दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालते हुए और एक बार बहुत ही अच्छी बॉलिंग। छोटे खिलाड़ी हैं लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं प्रीत सुतरिया अपनी ओवर समाप्त करते हुए। दो ओवर के समाप्ति के बाद अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 30 रन विदाउट लॉस 30 रन है। दो ओवर में 30 रन बहुत बड़ा स्कोर बना लिया है दीपक गोटी। 9 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन पर नाबाद खेल रहे हैं अभी। कौन से बॉलर लगता है फील्डर गेंद को रोकना नहीं चाहते थे इसीलिए 4 रन चला गया है। चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। आशीष छेटा के बैट से निकलता हुआ ये पहला चौका देखने को मिला है। पीजी मकवाना अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद डाल रहे हैं। एक बार फिर से अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए पीजी मकवाना बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 34 विदाउट लॉस 34 रन एक कोई विकेट नहीं है। एक बार फिर से उठा दिया है गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन में और ये बढ़िया कैच था लेकिन एक बार फिर से कैच को गिरा दिया है। मुझे लगता है कैच करना नहीं चाहते थे इस तरह से गिरा दिया है। फील्डिंग थोड़ी सजानी चाहिए मुझे लगता है अपर रॉयल को। एक बार फिर से घुमा तो दिया है कवर ट्राई लेकिन वहां फील्डर मौजूद है और ये 4 रन एक और चौका यहां। चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। 39 रन विदाउट लॉस 39 रन कोई नुकसान नहीं है। पीजी मकवाना
जो गैप बॉलिंग कर रहे हैं। एक रन मिलेगा यहां दीपक को। आशीष छेड़ा है स्ट्राइक पर, 40 रन पूरा कर लिया है अमृत वॉरियर्स ने, जो बढ़िया स्कोर बनाया अभी तक का। एक बार फिर से घुमा दिया है लॉन्ग ऑन में, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए बहुत बढ़िया चौका है, दूसरा चौका। चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। हमारे सांगालैंड के सरपंच पधार रहे हैं, सरपंच का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, साथ में अपनी आंटी है और सहेलियों भी है। 44 रन, 44 रन विदाउट लॉस, क्या बॉलिंग क्या बैटिंग देखने को मिली आज अमृत वॉरियर्स की। बॉलर जिग्नेश छेटा जो एप्पल रॉयल्स के मालिक भी है और कैप्टन भी है, खुद को आना पड़ा है रन की बौछार रोकने के लिए। एक बार फिर से आगे को घुमाया है दीपक ने और ये गेंद जा रही है और 3 फील्डरों के बीच में गिरी है और ये 2 रन भाग कर पूरा करने में कामयाब रहे। 2 रन के साथ अमृत वॉरियर्स का स्कोर 46 फॉर नो लॉस। चौथा ओवर डाल रहे अभी जिग्नेश छेटा अपनी पहली ओवर की दूसरी गेंद डालते हुए। एक बार फिर से उठा लिया है, हाय 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 एंड हैंडसम सिक्स। क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्स। योगी डायमंड के मालिक भी आज अमृत वॉरियर्स के फैन बन गए चुके हैं। अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 52, बहुत बढ़िया स्कोर बना लिया है। एक रन चुराने की कोशिश और ये कामयाब। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ अमृत वॉरियर का स्कोर है 53 रन विदाउट लॉस। चौथा ओवर अभी चल रहा है। एक बार फिर से उठा तो दिया है आशीष छेटा ने और गेंद गिरेगी, जरूर गिरेगी 3 फील्डर के बीच। एक ही रन मिलेगा, 1 रन भाग कर पूरा किया है। 1 रन के साथ अमृत वॉरियर्स का स्कोर हो गया है 54 विदाउट लॉस। जिग्नेश छेटा 4 गेंद डाल चुके हैं अपनी ओवर की, 9 रन दे चुके हैं। एक बार फिर से दीपक और ये उठा दिया है लॉन्ग ऑन में, गेंद जा रही है लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। एक ही रन मिलेगा, बहुत अच्छी फील्डिंग, हार्दिक देव मुरारी वहां फील्डर है जो बहुत बड़े फील्डर हैं। अमृत वॉरियर्स 55 रन विदाउट लॉस। चौथे ओवर की आखिरी गेंद एप्पल रॉयल की ओर से डालते हुए जिग्नेश छेटा आशीष छेटा को और ये उठा दिया है लॉन्ग ऑफ में, गेंद जा रही है स्ट्रेट ड्राइव के लिए। एक ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ यहां ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन अब तक, 56 अब तक विकेट नहीं। अमृत वॉरियर्स के फैन की संख्या बढ़ाते हुए चार ओवर की समाप्ति के बाद अमृत वॉरियर्स 56। अमृत वॉरियर्स के फैंस की संख्या यहां बढ़ती नजर आ रही है। हार्दिक देव मुरारी इज नाउ इन बॉलिंग, इज फर्स्ट ओवर स्टार्टिंग नाउ, यस फर्स्ट बॉल टू अमित आशीष छेटा and Ashish Chheda is a single run. Very nice English. ...57 run without loss, Amrut Warriors. Hardik Dev Morari, Deepak ko. Deepak ne uchhal diya hai gend ko, aur piche fielder jarur hai, lekin do fielder ke beech girne wali thi, jo gir gayi hai.
एक रन भागकर पूरा कर लिया दीपक ने, एक रन के साथ आउट ऑफ वॉरियर्स का स्कोर है 58 विदाउट लॉस, 58 रन, कोई नुकसान नहीं है। दीपक 16 गेंदों में 35 पर खेल रहा है, एक बार फिर से उठा दिया है बिना टप्पा खाए, 6 रन के लिए गेंद जा रही है, बहुत ही बढ़िया सिक्सर देखने को मिला है आशीष छेड़ा। क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्सर, बहुत बढ़िया सिक्सर देखने को मिला लंबे टाइम के बाद, आशीष छेड़ा के बैट से निकलता हो या उबलता सिक्सर है, 64 रन पर पहुंच चुका है अमृत वॉरियर्स, 64 विदाउट लॉस। और यहां बैट और बॉल का संगम नहीं हो रहा है, आशीष छेटा 20 पर पहुंच चुके हैं, 11 गेंदों का सामना किया है, 2-4 और 1-6 के साथ। दीपक खेल रहा है 35 पर 16 गेंदों का सामना किया है, 2-4 और 3-6 के साथ। एक बार फिर से अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए हार्दिक देव मुरारी पूरी तरह से बीट कर दिया है आशीष छेड़ा को, जो अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं। 64 विदाउट लॉस अमृत वॉरियर्स का स्कोर है। पांचवा और आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हार्दिक देव मुरारी आशीष छेड़ा को, एक बार फिर से फुल टॉस करने की कोशिश, लेकिन एक ही रन मिलेगा, एक रन का इजाफा यहाँ, एक रन के साथ यहाँ पांचवे ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 65 विदाउट लॉस, 65 रन, कोई नुकसान नहीं है। तेरह रन के एवरेज से खेल रहे अभी अमृत वॉरियर्स, स्ट्राइक पर है आशीष छेटा, बॉलर नया जिग्नेश छेटा एप्पल के कैप्टन, फुल टॉस बना दिया है, और ये फुल टॉस का फायदा मिला है या नहीं मिला है देखते हैं, और गिरा दिया है कैच, चौथा केस बेटा है, एक चौथा केस जो हम कहे तो चौथा कैच गिरा दिया है एप्पल ने, इसकी वजह से अमृत वॉरियर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ है 66 विदाउट लॉस। वेल प्लेड दीपक, लेकिन एक रन से कोई नहीं रोक सकता, एक रन के साथ अमृत वॉरियर्स आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67 विदाउट लॉस। छठा ओवर चल रहा है अभी, अब्दुल पानी लेने के लिए जा रहा है, एक बार फिर से उठाने की कोशिश की है, और ये लॉन्ग ऑफ में गेंद गिरेगी, जरूर गिरेगी, ये पांचवा कैच, मुझे लगता है ये कैच गिराने के लिए होता है, अब मैं ऐसा लगने लगा है सिक्सटी एट रन, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्कोर, थोड़ा धीमा जरूर है लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं अमृत वॉरियर्स, क्योंकि अभी तक एक विकेट भी नहीं गवाई है। जिग्नेश छेटा बॉलिंग के लिए तैयार दीपक को, एक बार फिर से फुल टॉस, और ये फुल टॉस का फायदा भी मिला है, 4 रन के लिए गेंद जा रही है दीपक के बैट से निकलता वो आए चौका, अमृत वॉरियर्स के फैंस की संख्या बढ़ती जा रही है 72 रन विदाउट लॉस, और यह आगे को घुमा दिया है, हमारी तरफ गेंद जा रही है, सिक्सर हाय 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 हंड, लॉन्ग सिक्सर लगा दिया है अभी दीपक ने, बहुत बड़ा क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्सर। अमृत वॉरियर्स क्या जलवा दिखाया है आज, 78 रन विदाउट लॉस, छठा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार जिग्नेश छेटा दीपक को, एक बार फिर से आगे आके घुमा दिया बिना टप्पा है सिक्सर, क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्सर, 84
छह ओवर की समाप्ति के बाद अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 84। काफी फॉर्म में आ चुके हैं अमृत वॉरियर्स, बहुत बढ़िया स्कोर बना दिया है अभी, अब तक का सबसे ज्यादा एवरेज वाला, 14 की एवरेज से खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि एप्पल को अब कुछ करना चाहिए, इसको रोकने के लिए एक विकेट तो कम से कम चाहिए। राजू एप्पल के खिलाड़ियों जो फील्डिंग बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन किया है, कैच तो होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं। छेटा कप एसपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 मेन स्पॉन्सर अमृत जेम्स एंड एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। टूर्नामेंट ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय छगन भाई, बिंजू भाई, छेटा स्पॉन्सर्ड बाय विमल शाह परिवार बोरीवली वापी फैंटास्टिक शो स्पॉन्सर्ड बाय अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल उत्तराण मोटा वराछा सुपर 6 स्पॉन्सर्ड बाय योगी डायमंड सुपर विकेट स्पॉन्सर्ड बाय प्रमुख आशीष डायमंड। बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया है दीपक गोटी ने, 52 रन बना लिए है, उसकी 50 भी हो चुकी है, 20 गेंदों का सामना किया है, 3, 4 और 5, 6 बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया है आज। 52 रन में 42 रन तो उसने 4 और 6 से ले लिया है। अमृत वॉरियर्स अभी तक कोई विकेट नहीं गवाई है, 84 रन, बहुत ही फॉर्म में है। अमृत वॉरियर्स के कैप्टन भी अभी मैदान में है अपने खिलाड़ियों को सजेस्ट करते हुए, दीपक और आशीष छेटा को। अब पानी बाहर निकल चुका है और खेल शुरू करना चाहिए। दीपक का 50 रन 52 रन 20 गेंदों का सामना किया है सिर्फ, अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दीपक गोटी। अमृत वॉरियर्स के फैंस यहां पधार रहे हैं, फैन की संख्या बढ़ा दी गई है यहां पर चलो खेल शुरू करते हैं। अमृत वॉरियर्स काफी मजबूत स्थिति में आ गया है, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन जो बहुत बढ़िया स्कोर है। देखते हैं एप्पल क्या रणनीति अपनाते हैं अमृत वॉरियर्स को काबू में करने के लिए बैट्समैन को। अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद छोर बदला जाएगा, देखते हैं छोर बदलता है तो क्या होता है, कोई बदलाव आता है कि नहीं है। आशीष छेटा स्ट्राइक पर है, बैटिंग के लिए तैयार है आशीष छेटा, अपना निजी स्कोर है 30 रन 23 16 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 2 4 और 1 6 शामिल है। बॉलर कौन है वो, चिराग जादव, छोटे कद के खिलाड़ी, अब देखते हैं अपने कद का फायदा उठाते हैं या नहीं। एक बार तो पहली गेंद तो उसने बहुत अच्छी डाल दी है। संघ 11 के खिलाड़ी है यहां पधारे हैं जिन्होंने अगला मुकाबला जीत लिया था। बोल्ड बहुत ही बढ़िया यहां बदलाव किया है, छोर बदलने के बाद छोटे कद के खिलाड़ी ने कमाल दिखाया है, आशीष छेटा को आउट करके वापस पेवेलियन में भेज। ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट। बहुत ही बढ़िया विकेट अमृत वॉरियर्स का यहां गिरा दिया है। चिराग जादव बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा करते हुए 2 गेंदों में कोई रन नहीं दिया, 1 विकेट ले लिया है। 84 for 1 अमृत वॉरियर्स का पहला विकेट गिरा है अभी। नया बैट्समैन
उत्तम छेटा आए हैं, आइकॉन खिलाड़ी है, देखते हैं क्या कमाल करते हैं। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंड प्रदर्शन करते हैं उत्तम छेटा, अपनी टीम को जिताने के लिए सक्षम है। देखते हैं अब छोटे कद के खिलाड़ी के सामने टिक पाते हैं या नहीं। वेल प्लेड, बहुत ही सूझ समझ कर खेला है। यहां लॉन्ग ऑन में एक खिलाड़ी मौजूद है, एक रन ही मिलेगा। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 85-1। 85-1 सेवंथ ओवर रनिंग। चिराग जादव दीपक को, और एक बार फिर से बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए चिराग जादव। मैंने पहले बोला था छोटे कद का खिलाड़ी है और कमाल करता है बॉलिंग में। दीपक जो सेटिंग बराबर है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि बॉलिंग ही इतनी अच्छी डालते हैं। और उठा दिया है गेंद, जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। एक बार फिर से दीपक वापसी करते हुए चार रन। चौका लगा, चौका लगा, अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। एक बार फिर से उठा दिया है गेंद, जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, बिना टप्पा है सिक्सर। क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्सर। 89-95 रन सिक्स करके साथ। और यहां ओवर की समाप्ति, सात ओवर की समाप्ति के बाद अमृत वॉरियर्स 95-1। अमृत छेटा, उत्तम छेटा आए हैं स्ट्राइक में। उत्तम छेटा जो हमने उसका खेल देखा है ऑलराउंड, अगले ही मुकाबले में बहुत ही बढ़िया स्कोर बनाया था 81 का 84 का, और एक रन से संतुष्ट है अभी लगता है। दीपक जो है लगातार बौछार कर रहे हैं अभी रन की, एक रन भागकर पूरा कर लिया एक रन के साथ। आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 97, अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 97-1। और यहां एक बार घुमा दिया है लॉन्ग ऑन में, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, छोटे कद का खिलाड़ी एक बार फिर से कमाल दिखाया है। बहुत ही बढ़िया विकेट अमृत वॉरियर्स का विकेट। ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर। चिराग जादव छोटे कद का खिलाड़ी एक बार फिर से कमाल दिखाते हुए, बॉलिंग में कमाल दिखाया, फील्डिंग में भी दिखाया। अगर पहले से ये कमाल दिखाया होता है एप्पल के प्लेयरों ने, तो बहुत ही कम स्कोर होने वाला था। अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 97-1। हितेश छेटा जो अमृत वॉरियर्स के मालिक है, कैप्टन है, 97-2 अमृत वॉरियर्स। हितेश छेटा आए हैं जो अमृत वॉरियर्स के कैप्टन भी है, मालिक भी है। देखते हैं क्या कमाल करते हैं, सीजन के खिलाड़ी है वो, मुझे लगता है टेनिस में नहीं उसको जमता है। हर रोज टेनिस खेलने के लिए जाते हैं वो मुंबई में। आगे आके यहां हमारी तरफ गेंद को भेज दिया है, एक ही रन मिलेगा। हितेश छेटा ने एक रन से शुरुआत की है, 98 रन टू विकेट्स। बहुत बढ़िया, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, आठवां ओवर समाप्त, 98 रन 98-2। दीपक नाबाद खेल रहा है 63 पर, 25 गेंदों का सामना करने के बाद 63 रन।
चार फोर छह सिक्सर फोर फोर एंड सिक्स सिक्स चिराग जाधव फिर से एक बार हितेश छेटा को जो लंबे कद के खिलाड़ी है और चिराग जाधव है वो छोटे कद के खिलाड़ी है गेंद थोड़ी नीची रहती है और एक बार फिर से पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब चिराग जाधव बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है और बहुत बढ़िया कैच बहुत बढ़िया ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट एक भाई ने बॉल डाला एक भाई ने कैच किया बहुत बढ़िया कैच लालू जाधव जो बढ़िया कैच अभी हमने देखा है जो चिराग का बड़ा भाई है जो छोटा से नया बैट्समैन नया बैट्समैन का नाम सुनिए मित्र नवा बैट्समैन नाम हार्दिक हार्दिक ने एचडी नाम से 98.43 वेल प्लेड सूझ बूझ कर एक रन लेने में कामयाब एच डी चौहान 99 अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 99 दीपक गोटी अभी खेल रहे नाबाद 63 पर 63 रन बना चुके हैं 25 गेंदों में वाइड का इशारा एम्पायर का एक और अतिरिक्त रन मिलेगा चिराग जाधव अच्छी बॉलिंग का नजारा करते हुए लेकिन एक बार दिशाहीन हो गए हैं 99.43 अमृत वॉरियर्स और यहां बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा बोल्ड कर दिया है दीपक को चिराग जाधव बहुत ही बढ़िया ओवर डाला है अभी बहुत बढ़िया ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट इसी के साथ अमृत वॉरियर्स का स्कोर 100 रन 4 विकेट्स नया बैट्समैन नौवा ओवर आखिरी गेंद बाकी है भाई नाम पूछ लीजिए नाम भाई बैट्समैन अशोक जाधव डाया सौ रन पूरे कर दिया है अमृत वॉरियर्स ने मिस फील्ड हुई है एक रन लेने में कामयाब एक रन के साथ अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 101 रन नौ ओवर की समाप्ति के बाद अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 101 चार विकेट के नुकसान पर तो बहुत बढ़िया स्कोर बनाया है अभी तक का लेकिन देखते हैं अभी आगे ले जा सकते हैं कितना आगे ले जाते हैं कौन है नया बॉलर अरविंद चौहान क्यों
एक बार फिर से बहुत ही अच्छी बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग, वापसी की है, पूरी तरह से वापसी की है एप्पल रॉयल ने टीम में। ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट। अरविंद चौहान अपनी बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए, मीत छेटा आए हैं नए बैट्समैन जो पूरे लंबे खत के खिलाड़ी हैं, देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। मीत छेटा सामने, एचडी चौहान एक बार फिर से घुमा दिया है, लॉन्ग ऑन में गेंद जा रही है, गेंद रुके इससे पहले एक रन भागकर पूरा कर लिया है मीत ने, एक रन से खाता खोला है, एक रन के साथ अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 102 फॉर 5 विकेट्स, 5 विकेट के नुकसान पर 102 रन, अमृत वॉरियर्स का स्कोर 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और ये शॉर्ट का शॉर्ट बॉल थी लेकिन एक ही रन मिलेगा, पूरा फायदा नहीं उठा पाए, एक रन के साथ अमृत वॉरियर्स आगे बढ़ रहा हुआ स्कोर है 103 फॉर 5, 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये 10वां ओवर चल रहा है अभी, यहां पर रन आउट होने का पूरा खतरा था लेकिन सूझबूझ के साथ वापस क्रीज में, कोई खतरा नहीं रहा। चलो बाकी वही बता, खाना खा के गाना गए। यहाँ अपील जरूर हुए लेकिन वाइड का इशारा एम्पायर का, खाना खा के आ गए अब गाना गाइए खाना खा के गाना गाइए गेलो गेलो हमें क्या पावर बड़ा है, हूँ तो टेस्टिंग करूँ मारू गड़ू हले से पशु एम। और ये हाई एंड हैंडसम सिक्सर, क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्स। जम्मा मा बाकी हो ये जाओ, अहिया तो सिक्स ने फोर लागियात करशे, आपने खाई लो पहला, बाकी हो ये जम्मा जाओ पछी वाइंड अप थाय से 10 मिनिट नी अंदर रसोडू हान ने तैयारी करवानी छे। अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 111 for 5, 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक 10 ओवर की समाप्ति के बाद मीत छेटा है स्ट्राइक पर, हार्दिक देव मोरारी नए बॉलर अपने दूसरे स्पेल डालते हुए। दस ओवर की समाप्ति, अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 111 for 5। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए हार्दिक देव मोरारी, मीत छेटा को पूरी तरह से बीट कर दिया है, देखते हैं मीत क्या कर पाते हैं। आगे आके घुमाने की कोशिश की है, लॉन्ग ऑन में गेंद जा रही है, वहां फील्डर बहुत ही बढ़िया मौजूद है चिराग जाधव, वापिस बॉलर के पास गेंद, एक रन भागकर पूरा किया, एक रन के साथ 112 112 for 5। और यहां कैच होने की पूरी संभावना थी लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, चार रन में थोड़ी तकलीफ तो हुई है, अभी नहीं गई है चार रन। रिप्लाई था यहां 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर अमृत वॉरियर्स। 11वां ओवर चल रहा है,
115 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 115 115 115। एक बार फिर से घुमा तो दिया है, लेकिन यहां गेंद को अच्छी तरह से फील्ड भी कर लिया गया, एक रन पूरा किया। हार्दिक देव मुरारी अच्छी बॉलिंग अभी तक डाली है, लेकिन विकेट नहीं मिली अभी तक। 116 रन, अमृत वॉरियर 116 पर, 5 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर, आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हार्दिक देव मुरारी मित छेटा को। एक बार फिर से चकमा देने में कामयाब हार्दिक देव मुरारी। इसी के साथ यहां 11 ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 116 for 5। ओवर की समाप्ति। जे भाइयों ने जम्मा में बाकी हुए थे जम्मा जैसे भाइयों होए के बहनों होए के बालकों होए, जम्मा नो बाकी हो ये जाओ, खाना खा के गाना गाए, खाना खा के गाना गाए। एक बार फिर से चिराग, और ये आ गया कि घुमाने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। एक ही रन मिलेगा, एक रन का इजाफा अमृत वॉरियर्स को। आखिरी ओवर चल रहा है इस इनिंग का, 117। वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। छोटे कद के खिलाड़ी लंबे कद के खिलाड़ी को बीट कर रहा है अभी। किधुन वाइंड अप था इसे भाई, 10 मिनट में लॉन्ग ऑफ में गेंद गई है, और ये एक रन मिलेगा, एक रन के साथ 118 118 for 5। सिर्फ 3 गेंदे बाकी है। अरे गीत गाइयो, वांदो नहीं, खाया तो खाई ली तूने। और यहां खुआ तो दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, बिना टप्पा खाए 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया सिक्सर, क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्सर। सिक्स कर के साथ यहां अमृत वॉरियर्स पहुंच गया है 124, 124 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंद बाकी है, और यहां रन आउट होने का खतरा था, लेकिन टल गया है। 2 रन मिलेगा, 2 रन के साथ अमृत वॉरियर्स का स्कोर है 126, 126 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार चिराग जादव, एच डी चौहान को, जो 20 रन पर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना करने के बाद 2 सिक्सर के साथ। आखिरी गेंद, और एक बार फिर से घुमा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जा रही है 6 रन के लिए, मुझे लगता है सिक्सर। आखिरी गेंद पर बहुत बढ़िया सिक्सर, क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्सर। 132 रन, 5 विकेट के नुकसान पर अमृत वॉरियर्स ने बनाए। अपर रॉयल को जीतने के लिए 133 रन चाहिए, 133 133 फॉर विन दिस मैच। कलर में मौजूद के पास है, वो तो आप ही जाओ क्या से
જમણે જમવાનું બાકી હોય જમવા જાઓ. અમૃત વોરિયર્સ જિસને ટોસ જીતકર પહેલે બેટિંગ કરને કા ફેસલા કિયા થા, પહેલે બેટિંગ કરતે હુએ 12 ઓવર કી સમાપ્તિ કે બાદ અમૃત વોરિયર્સ કા સ્કોર હૈ 132, 5 વિકેટ કે નુકસાન પર બનાયા હૈ. એપલ રોયલ કો જીતને કે લિયે ચાહિયે 133, 133 રન 12 ઓવર મે ચાહિયે. એસપીએલ સીઝન 6 કા યે દૂસરા દિન, चौथा मुकाबला चल रहा है अभी, दोपहर हो गया है, कड़ी धूप है मैदान में और यहां सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सांगालैंड के सभी सभ्य आए हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं. एप्पल के बैट्समैन अभी तक नहीं आए, मुझे लगता है इंतजार कर रहे हैं अमृत वॉरियर्स के खिलाड़ी एप्पल के बैट्समैन का. एप्पल रॉयल आज हमें बहुत ज्यादा मैच खेलनी है, इसीलिए सभी को समझकर जितना बन सके झड़प से ये मैच शुरू करना चाहिए. जिग्नेश छठा आया लगता है, खुद गब्बर अमृत वॉरियर्स और एप्पल रॉयल दोनों मेन स्पॉन्सर है एसपीएल सीजन 6 के. दोनों के बीच ये मुकाबला चल रहा है. अमृत वॉरियर्स ने बनाया 132, 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर. जवाब में एप्पल को जीतने के लिए चाहिए 133 रन 12 ओवर में. शुरू करते हैं अभी इस मैच का दूसरा दाव, यानी कि एप्पल रॉयल बैटिंग के लिए आ रहे हैं. नमस्कार, सांगावदर गांव द्वारा आयोजित वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग. इतने छेटा लय और लेंथ दोनों बना लिए आज, क्या बात है. आज तो स्कोर भी इतना बड़ा बनाया है. एक रन लेने में कामयाब, दो रन का यहां स्कोर हो गया है एप्पल रॉयल का. તમારે કઈ નામ આપવું છે તો બોલો. હા, અચ્છી બોલિંગ કા નજારા, રન આઉટ હોને કા પૂરા ખતરા થા, લેકિન યહાં બહોત હી રનિંગ બિટવીન ધ વિકેટ, વિકેટ જો હૈ વો અચ્છી દેખને કો મિલી હૈ.
वेरी गुड बॉलिंग, वापसी की है मुझे लगता है। उम्र तो हो गई है लेकिन उम्र दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ 3 रन दिए है, क्या बात है, पहली बार ऐसा प्रदर्शन करते हुए देखा है मैंने। एक ओवर के समाप्ति के बाद एपल रॉयल 3 रन पर, यह नतीजा है हितेश छेटा की बॉलिंग का। पहले ही ओवर बहुत ही बढ़िया ओवर, एक ओवर के समाप्ति के बाद कोई नुकसान नहीं है लेकिन 3 ही रन बने हैं। या अशोक जाधव डाया नया बॉलर है। या अमृत वॉरियर्स की ओर से दूसरी ओवर की शुरुआत करते हैं अशोक जाधव। जिग्नेश छेटा को बहुत ही बढ़िया यहां एक बार फिर से बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए अशोक जाधव। मित छेटा जो बहुत ही छोटा खिलाड़ी है, पैर में थोड़ा तकलीफ है, इंजर्ड है, बाकी उसकी फील्डिंग तो बहुत अच्छी रहती है। देखते हैं आज क्या कर पाता है मित छेटा। एक बार फिर से उठाने की कोशिश लेकिन पीछे गई है गेंद, आगे भेजना चाहते थे जिग्नेश छेटा। 1 रन तो अवश्य मिलेगा, 1 रन के साथ एपल रॉयल्स का स्कोर 4 रन हो गया है। जीतने के लिए 133 रन चाहिए, 129 रन अभी भी चाहिए। यस यस यस, खाना खा के गाना गाओ। बहुत बढ़िया विकेट, बॉल भी वही चल रही है, एंट्री वही करते हैं। ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट। अरविंद चौहान वापिस पेवेलियन में, कोई खास नहीं कर पाए हैं। ये कौन आया नया बैट्समैन? हार्दिक देव मोरारी। एप्पल रॉयल्स को पहला झटका लगा है अभी। चार रन एक विकेट, दूसरा ओवर। एक बार फिर से फुल टॉस और लॉन्ग ऑन, फिर गेंद जा रही है वहां। फील्डर इतना बढ़िया है कि गेंद जाने नहीं दिया है, एक ही रन लेना पड़ेगा। 1 रन के साथ एप्पल रॉयल्स का आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 5 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी 10 गेंद का खेल हुआ है। अशोक जाधव जिग्नेश छेटा को उछाल दिया है बिना टप्पा खाए, लॉन्ग हाई हाई एंड हैंडसम सिक्स। क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्स। न्यू बॉल, एक ही सिक्सर में बॉल गुम कर दिया है जिग्नेश छेटा ने। क्या लॉन्ग सिक्सर लगाई है, 11 रन एक विकेट। एक बार फिर से उठा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जा रही है 4 रन के लिए। रनों की बौछार करते हुए अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। दूसरा ओवर समाप्त होने के बाद एप्पल रॉयल का स्कोर है 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया खेल दिखाते हुए जिग्नेश छेटा जो एप्पल रॉयल के कैप्टन और मालिक है। तीसरी ओवर डालने के लिए तैयार हितेश छेटा। अमृत वॉरियर्स की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। एप्पल रॉयल ने 15 रन बना दिए हैं। हितेश छेटा, हाँ
सामने हार्दिक देव मुरारी जो एक रन पर खेल रहे हैं। और ये उछाल दिया है, कैच जरूर है लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कैच करना ही नहीं चाहते थे। दोनों खिलाड़ियों ने गेंद को देखा, सिर्फ देखा कितना ऊंचा गया है, कितना अच्छा सिक्सर लगाने की कोशिश की है, वही देखा और कुछ नहीं किया। पहली बार ऐसा देखा। एप्पल रॉयल 17 रन पर। सत्रह रन बनाया है एक विकेट के नुकसान पर एप्पल रॉयल ने। अभी अभी हमने देखा रनों की बौछार कर दी थी जिग्नेश ने। अब है हार्दिक देव मुरारी और हितेश छेटा बॉलिंग के लिए तैयार। एक बार फिर से यॉर्कर करने की कोशिश, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब लेकिन एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिला है। एक रन के साथ एप्पल रॉयल का स्कोर हो गया 18 रन। एक बार फिर से फुल टॉस, यहां गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब लेकिन वहां नहीं रोक पाएंगे, 4 रन मिलेगा यहां। चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। 4 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। और बहुत बढ़िया बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए दोनों टीम के कैप्टन ही है, बैटिंग में भी कैप्टन बॉलिंग में भी कैप्टन, दोनों अपनी टीम को जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक बार फिर से यहां बहुत ही बढ़िया यहां आउट, और ये बहुत बड़ी है, यहां सफलता मिली है हितेश छेटा को, जिग्नेश छेटा जो आउट होकर वापस पेवेलियन में। ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विजय। विकेट कीपर कौन से, दीपक या दीपक गोटी, बहुत ही बढ़िया कैच। दूसरा विकेट गवाया है एप्पल रॉयल ने, जो बहुत बढ़िया विकेट, काफी फॉर्म में खेल रहे थे जिग्नेश छेटा। अब ये धीरे धीरे कौन चल रहा है भैया, चिराग यादव है या धीरे धीरे चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने धक्का मारकर यहाँ भेज दिया है। लास्ट आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हितेश छेटा चिराग जादव को। 22 for 2 एप्पल रॉयल्स का स्कोर है 22 for 2। थर्ड ओवर लास्ट गेंद, देखते हैं कितना रन कर पाते हैं इस ओवर में चिराग जादव। अभी अभी हमने देखा एप्पल रॉयल का जो बहुत बढ़िया विकेट यहां पर गिरा दिया है हितेश छेटा ने। अब चिराग जादव फुल टॉस लेकिन एक ही रन मिलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं की है। मैंने पहले बोला है चिराग जादव जो काफी सोच समझकर बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। यहां पर तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद एप्पल रॉयल का स्कोर है 23 for 2। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिया है एप्पल रॉयल। जीत के लिए 110 रन चाहिए 54 गेंदों में। एप्पल रॉयल रिक्वायर्ड इज 110 रन इन 54 बॉल। डिस्कस कर रहे हैं अभी किसको बॉलिंग दे, कौन आए नए बॉलर, मित से मित कौन से, अशोक जादव। Hmm.
अशोक यादव डाया आया है। अपनी दूसरी ओवर की शुरुआत करते हुए अशोक यादव, सामने उसका भाई है छोटा चिराग यादव। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा दिखाया है, लेकिन इतना ही अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं चिराग यादव। एक रन चुरा लिया है, एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर एप्पल रॉयल का 24 for 2, 24 रन दो विकेट के नुकसान पर। अशोक यादव जिन्होंने पहली ओवर में 12 रन दिए थे, एक विकेट लिया था, एक बार फिर से यहां कट तो जरूर किया है, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ एप्पल रॉयल आगे बढ़ता हुआ स्कोर बना लिया है 25 रन दो विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत बढ़िया यहाँ बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए, थोड़ी मिस्टेक हुई है इसीलिए 4 रन दे दिया है फील्डर ने। मिस फील्डिंग, बहुत बढ़िया मिस फील्ड करते हैं ये लोग। खाना नहीं खाया तो खा लीजिए, बाकी मिस फील्ड मत कीजिए। 29 रन for 2 wickets रनिंग ए फोर्थ ओवर। एप्पल रॉयल रिक्वायर्ड इज 104 रन्स इन 51 बॉल, 104 रन चाहिए 51 गेंदों में। अशोक यादव एक बार फिर से यहां चिराग यादव को, चिराग यादव ने घुमाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बैट और बॉल का पूरी तरह से संगम ही नहीं हुआ। एक रन मिलेगा, एक रन का इजाफा यहां एप्पल रॉयल का स्कोर है 30 रन, दो गेंद बाकी है इस ओवर के। अशोक यादव जो अपने दूसरी ओवर के 4 गेंद डाल चुके हैं, अभी तक 10 गेंदों में उन्होंने 19 रन दिया है, एक विकेट भी ली है। बहुत बढ़िया यहां लॉन्ग ऑन की तरह गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, बहुत बढ़िया चौका। चार रन के साथ एप्पल रॉयल आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34। एक बार फिर से यहां लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को भेज दिया है 4 रन के लिए, बहुत बढ़िया चौका यहां चौका की बरसात करते हुए चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38। મુકેશ નાવડિયા, ઉમંગ ફાળા માટે આપણે મુકેશભાઈ નાવડિયા પાસે જઈશું। इतिश छेटा अपनी तीसरी ओवर की शुरुआत करेंगे, दो ओवर डाल चुके हैं, 11 रन दिया, एक विकेट भी लिया है। और यहां चांस तो पूरा था, लेकिन यहां मिस फील्ड हो गई है, एक ही रन मिलेगा। मिथ छेटा बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए, मिथ छेटा 39 रन। यहां विकेट का पूरा खतरा था, लेकिन थोड़ा दूर रह गया है कैच, एक रन और ले लिया है यहां, इसके साथ 40 रन। अपडेट नहीं था तो भाई 40 थे, हाँ 40 रन 2 विकेट्स। एक बार फिर से हमारे तरफ आ रही है गेंद, हमारे लिए खतरा बन चुकी है, और ये 4 रन के लिए। बार बार बचे हम,
दूसरा लगा, चौथा लगा, अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। 44 रन चौके के साथ, दो विकेट। चिराग जादव है, बहुत ही बढ़िया सोच समझकर खेल रहे हैं। 45 रन, 45 for 2। और एक बार यहां आउट होने का खतरा था, और ये क्या, तीसरा झटका आया पर रॉयल्स को। हाँ, दीपक गोटी कैच कौन गिरो, दीपक गोटी 45 रन, 3 विकेट्स। पीजी आए हैं नए बैट्समैन, हितेश चेटा अब तक की सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन करते हुए। और ये तीसरी गेंद, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद में सिर्फ एक ही रन दिया है, इसके साथ यहां ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद अपर रॉयल का स्कोर है 46 फोर थ्री, 5 ओवर। अपर रॉयल रिक्वायर्ड इज 87 रन इन 42 बॉल, हर गेंद पर 2 रन चाहिए जीतने के लिए अपर रॉयल को। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अमृत वॉरियर्स। थोड़ी डिस्कस करते हुए राहुल गोटी को दिया है बॉलिंग, हितेश छेटा हमारी तरफ आए फील्डिंग के लिए। हाँ, राहुल गोटी आए हैं नए बॉलर, अपनी पहली ही ओवर की शुरुआत करते हुए। कल हमने देखा था बहुत ही अच्छी बॉलिंग दिखाई थी, एक बार फिर से यहाँ फुलटॉस गलती जरूर की है, यहाँ 4 रन खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी के साथ एप्पल रॉयल 50 पर पहुंच चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर। विशु काउंट्री बॉक्स पर आवी जाओ, विशु कमेंट्री बोलो मटे। आरवी स्टार जो खेलने वाले हैं पल्स के सामने, उसमें हम कमेंट्री के लिए आएंगे, खाना खाने के बाद गाना गाएंगे। आरवी स्टार जब खेलेंगे तब हम कमेंट्री के लिए आएंगे। और ये उठा लिया है, हाय हाय हाय, एंड हम सेंड सम सिक्स, सर लगा दिया है पीजी मकवान। क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्स, 56 अब तक 56, 3 विकेट के नुकसान पर अब तक 56। बहुत ही महंगा ओवर डाल रहे हैं अभी राहुल गोटी, 39 बॉल 77 रन जीत के लिए। एक रन चुरा लिया है पीजी ने, एक रन के साथ अब तक 56 नहीं, अब तक 57, 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां थोड़ा मिस हो गया है 4 रन के लिए, खामियाजा भुगत नहीं पड़ता है जब मिस फील्ड होती है। चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। फाइनल 11 लो, बहुत ही मिस फील्ड हो रही है यहां पर अमृत वॉरियर्स के फील्डरों की, वॉरियरों से की, अमृत वॉरियर्स के वॉरियर मिस फील्ड कर रहे हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद एप्पल रॉयल पहुंच चुके हैं 62 for 3।
नमस्कार राजू एंड छेटा खाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन सिक्स मेन स्पॉन्सर अमृत जेम्स एंड एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पानी घुमाए पानी टूर्नामेंट भैया स्पॉन्सर्ड बाय छगन भाई धनजी भाई छेटा प्लेयर्स कैप स्पॉन्सर्ड बाय विमल शाह परिवार बोरीवली वापी फैंटास्टिक शो स्पॉन्सर्ड बाय अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल उत्तराण मोटा वराछा सुपर सिक्स स्पॉन्सर्ड बाय योगी डायमंड सुपर विकेट स्पॉन्सर्ड बाय प्रमुख आशीष डायमंड नमस्कार सांगावदर गांव द्वारा आयोजित राजू एंड छेटा कप एसपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन सिक्स मेन स्पॉन्सर अमृत जेम्स एंड एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टूर्नामेंट ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय छगन भाई धनजी भाई छेटा प्लेयर्स कैप स्पॉन्सर्ड बाय विमल शाह परिवार बोरीवली वापी फैंटास्टिक शो स्पॉन्सर्ड बाय अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल उत्तराण मोटा वराछा सुपर सिक्स स्पॉन्सर्ड बाय योगी डायमंड सुपर विकेट स्पॉन्सर्ड बाय प्रमुख आशीष डायमंड बॉलर ने मुट्ठा मैडा हाथ ऊंचा करे भाई बॉलर ने मुट्ठा मैडा हाथ ऊंचा करे ओके ओके बासठ रन त्रण विकेट छ ओवर की समाप्ति जीत के लिए 71 रन छ ओवर 36 बॉल में 71 रन उत्तम की पहली बॉल पे कट कर दिया पॉइंट की दिशा में वहां फील्डर मौजूद था लेकिन मिस फील्ड के चलते वहां पर 4 रन एक और चौका चिराग जादव के बल्ले से चौका 67 रन त्रण विकेट ना नुकसान पर 67 रन बाकी 35 बॉल में
एक बार फिर वहां पर वही दिशा में मारना चाहते थे, बिंदी गेंद, कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं वहां पर, 66 रन। उठा के मारा है लेग साइड की दिशा में, वहां फील्डर, दो फील्डर मौजूद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पावर से लगा योगी डायमंड का सिक्सर। चिराग ने बोला था कि जितना भी फील्ड चेंज करना है कर लो, माला फर्क नहीं पड़ता। 72 रन। एक बार फिर बढ़िया कैच वहां पर दीपक के द्वारा, ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट। अरविंद चौहान उर्फ पक्कड़। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला वहां पर, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन से संतुष्ट। आखिरी गेंद ये ओवर की, सातवें ओवर की आखिरी गेंद, कवर की दिशा में वहां पर, एक रन से संतुष्टि। इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन, 4 विकेट ना नुकसान पर, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 30 बॉल में 59 रन। हर बॉल में 2 रन चाहिए अगर जीतना है तो। बॉलर मनोज, हार्दिक उठा के मारने की कोशिश, फील्डर है मौजूद, कोई गलती नहीं वहां पर दीपक की, क्या बात है। पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही अच्छा वहां पर बैटिंग का नजारा किया। ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट। नया बैट्समैन कुंज या निकुंज, खोट, निकुंज खोट उर्फ कानो, पहली ही गेंद वहां पर फील्डर तो मौजूद, मीत के द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग, दोनों भाई मन और मीत। पंचोतेर रन, 5 विकेट, जीतवा माटे 27 बॉल में 58 रन। शॉर्ट बॉल वहां पर फील्डर मौजूद अशोक डायो, ये ओवर की 2 गेंद बाकी। एक और डॉट बॉल, 25 बॉल में 54 रन, 57 57। बोलो गुजराती बोलो, क्या 77 रन, 5 विकेट, 56 रन चाहिए 24 बॉल में।
उत्तम नया बॉलर। कट कर दिया है वहां पर दीपक ने, पहली गलती इस मैच की, पहली गलती दीपक के द्वारा। अठहत्तर रन पांच विकेट के नुकसान पे 23 बॉल। एक बार फिर घुमाने की कोशिश, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। चौका, मौके पे चौका। चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, मौके पे चौका। बयासी रन पांच विकेट, 51 रन जोइए से खाली 22 बॉल में। एक बार फिर दिशाहीन गेंदबाजी, एक साइड की दिशा में, वहीं पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक बार फिर वही जगह पे चौका, चौका लगा, चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, मौके पे चौका। बढ़िया फील्ड सजाई वहां पर, ऑफ के खिलाड़ी को अंदर लेके लेग साइड की बाहर बाउंड्री की तरफ भेजते हुए। एक बार दिशाहीन गेंदबाजी ऑफ साइड की ओर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, जब तक आते तब तक रन, रन आउट। ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट। नवो ओम खिलाड़ी जन पे ओके। लास्ट बॉल, इस ओवर की लास्ट बॉल, नौवीं ओवर की आखिरी गेंद, 45 रन जोइए से जीतवा माटे। कोई रन नहीं वहां पर। अठार बॉल 45 रन। नया बॉलर हार्दिक, हार्दिक का हाथ ऊंचा करो भाई। ओके, दिशा से फटके, वाइड का इशारा अंपायर का। एक रन और अतिरिक्त स्कोर 89 रन, 6 विकेट ना नुकसान पर। 9 ओवर, पॉइंट की दिशा में खेला है, कोई फील्डर वहां पर बाउंड्री पे है ही नहीं। 4 रन, चौका लगा, चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, मौके पे चौका। पॉइंट और कवर के बीच में से निकाल दिया गेंद को, पकड़ ने बड़ी पकड़ रखी है। एक बार फिर ले दिशाहीन गेंदबाजी, एक साइड की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक बार फिर चौका, चौका लगा, चौका लगा अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, मौके पे चौका। क्या बात है, ट्रॉफी गिरा दी।
फाइनल की ट्रॉफी लेके जाएगा ये बंदा। बढ़िया फील्डिंग वहां पर मन के द्वारा, 100 रन पूरा 6 विकेट के नुकसान पे। तेरह बॉल में तैतरीस रन जीतवा माटे 100 रन 6 विकेट के नुकसान पे आउट। और एक विकेट विकेट, ये है प्रमुख आशीष डायमंड की वंडर विकेट। हेलो, एप्पल रॉयल 100 रन पूरा कर चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। विकेट एप्पल रॉयल। भगीरथ चावला कौन से बराबर? भगीरथ से ना नवो बैट्समैन। ओके बॉलर उत्तम। ओके उत्तम छेटा आए हैं बॉलिंग के लिए। उत्तम छेटा, छेटा तो उत्तम जो है। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला रहेगा। कोई टोपी जो 10 ओवर 100 रन 7 विकेट। वाइड का इशारा यहां उत्तम के द्वारा, उत्तम वाइड डाला गया है। उत्तम छेटा अपनी तीसरी ओवर की शुरुआत करते हुए 2 ओवर में 23 रन दिए 1 विकेट के। और यहां गेम जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया चौका, चौका लगा। अक्षर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मौके पे चौका। 105 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ग्यारह गेंदों में 28 रन। और एक बार फिर से बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा देखने को मिला लंबे अरसे के बाद। अमृत वॉरियर्स कड़ी धूप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए। और यहां भी एक ही रन मिलेगा, रन आउट होने का पूरा खतरा था लेकिन टल गया है। अभी एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ एप्पल रॉयल आगे बढ़ता हुआ। स्कोर है 106/7। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग। 8 गेंदों में 27 रन चाहिए जीत के लिए एप्पल रॉयल को। एक बार फिर से बहुत ही अच्छी बॉलिंग वापसी कर दी है अमृत वॉरियर्स ने, टीम में वापसी की है पूरी तरह से।
एक गेंद बाकी है अभी तक, 7 गेंदों में 27 रन, स्कोर रुक गया लगता है। फिर से एक बार वंडरफुल वंडरफुल बॉलिंग भाई, वाओ वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड उत्तम छेटा। 11 ओवर की समाप्ति के बाद एप्पल रॉयल पहुंच चुके हैं 106 रन, 106.7, जीत के लिए 6 गेंदों में 27 रन। एचडी चौहान बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अमृत वॉरियर्स ने जो वापसी की है वो मुझे लगता है उसके कोच बदलने से की है। कोच में आए हैं जयराज भाई छेटा जो एक बार फिर से चकमा देने के कामयाब। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जब टीम कोई भी टीम है वो अच्छा प्रदर्शन करती है उसके पीछे उसका कोच होना जरूरी है, तो अमृत वॉरियर्स ने अपना कोच बदला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 107 रन 7 विकेट, पूरी तरह से वापसी की है अमृत वॉरियर्स ने। अमृत वॉरियर्स के कोच बदले गए हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, लगातार अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए अमृत वॉरियर्स के वॉरियर स्कोर को पूरी तरह से रोका गया है यहां पर अमृत वॉरियर्स के द्वारा। 2 गेंदे बाकी है, आइए वल्लभ भाई मुझ पधारे हैं। और यहां हैंड सम सीख सर लगा दिया है, लेकिन थोड़ी देर हो गई है यहां पर, देर कर दी। पहले अगर 2-3 सिक्सर लगा देते तो शायद ये मैच जीत पाते। एप्पल रॉयल 113, 7 विकेट के नुकसान पर, 1 गेंद बाकी है, 1 गेंद में 20 रन तो नामुमकिन है एप्पल रॉयल के लिए। एक बार फिर से आगे आके घुमाया है और ये बहुत बढ़िया फील्डिंग, और ये 1 रन पूरा कर दिया है बाग।